हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं निमेश परमार। मैं मंजुला परमार। और ये है हमारा चैनल निम्मी सोफी और मम्मी। अगर आप वीडियो यहां तक देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल और हिट द बेल आइकन सो व्हेनेवर वी अपलोड अ वीडियो यू गेट अ नोटिफिकेशन। सो आज हम रिएक्शन करने वाले हैं जननी वीडियो सॉन्ग का, जो कि है आरआरआर फिल्म से, और हम सब जो ओरिजिनल इसका तेलुगु वर्जन है उसका आज रिएक्शन करने वाले हैं। ये मूवी तो फाड़ देगी। हां, ये मूवी तो जननी सॉन्ग का रिएक्शन तेलुगु वाला ओरिजिनल, क्योंकि ईस्ट या वेस्ट ओरिजिनल इज द बेस्ट। क्या बोल यार, इतना एकदम, जो इसका नाम है द सोल ऑफ आरआरआर, जो द सोल एंथम ऑफ आरआरआर, बिल्कुल सेम वैसा ही है। चीर देता है आपके सीने में ना, घुस जाता है और आपकी रूह झंझोड़ देता है, ऐसा गाना है ये। सारे सीन्स जो दिखाए सब इमोशनल थे मूवी में, कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट सीन्स थे ये सारे, जहाँ पे डेफिनेटली जो भी देख रहा है उसके आंखों में आंसू जरूर आएंगे, रोना जरूर आएगा, बुरा जरूर लगेगा, क्योंकि हर कैरेक्टर इसमें एक दर्द दिखाया है, एक जज्बात दिखाया है इस मूवी के, इस पूरे जो सॉन्ग था उसके अंदर। मुझे एक सबसे बेस्ट चीज़ लगी कि इसमें अजय देवगन का जो तेलुगु वाला सीन भी एक दिखाया, जो हमें समझ में नहीं आया क्योंकि लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, और साथ में श्रेया सरीन को दिखाया, तो उन मतलब वो दोनों हस्बैंड वाइफ है डेफिनेटली। और मुझे एक चीज़ का बहुत बुरा लग रहा है कि
आई होप कि जिसको बच्चे को गोली लगी थी वो उनका बच्चा बेटा ना हो, मुझे तो ऐसा लगा कि उनका ही होगा और उसको गोली लग गई, मतलब बहुत सैड था, सैड बहुत सैड पार्ट था। दूसरा रामचरण जो है, जो कि दिखाया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिशर्स के साथ उनके इसमें ही, और ऐसा कुछ इवेंट्स होते हैं शायद वो इस तरह से कुछ देखते हैं अपनी आंखों से, जिस वजह से उन्हें लगता है कि ये जो भी हो रहा है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है गलत कर रही है, जो ब्रिटिशर्स कर रहे हैं एकदम गलत कर रहे हैं इंडियंस के साथ, और दैट्स व्हाई वो भी शायद उनके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। एंड ये चीज तो समझ में आ रही है कि जूनियर एनटीआर पहले से इन सारी चीजों के अगेंस्ट है, और उनका जो आंख में आंसू और वो जूते भी सीन दिखाए थे एकदम, वो दर्द वो इतना समझ में आता है चेहरे पे कि मूवी में क्या ऐसा, मुझे तो ऐसा कि ऐसा क्या चल रहा होगा मूवी में कि सब इतने सैड है और ऐसे सीन्स है। तो कैसे उनके आंखों में आंसू आ रहे थे, बिल्कुल आंखों में आंसू थे, चोट लगी हुई थी, चोट लगी हुई थी, इमोशनल सीन थे। और बाद में फिर बंदी भी बना रखा। हाँ बंदी बना सकता है, जैसे जूनियर एनटीआर को बंदी बना। इसमें हमको आलिया भट्ट की भी झलक देखने मिली फाइनली इस बार, रेत से जो एक मिट्टी से जो रिवोल्यूशनरी का एक रिश्ता होता है वो देखने मिला कि मिट्टी उठा के और उसका टीका लगाना। मुझे ना राजामौली सर की फिल्म में क्या रहता है, जो इमोशंस रहते हैं ना वो कैप्चर होते हैं प्रॉपरली, मतलब आप जो देखते हो ना आप फील कर सकते हो कि नहीं आप उसे एज अ सिल्वर स्क्रीन पे नहीं देख रहे हो, आप सच में सामने खड़े होकर वो सारी चीजें देख रहे हो और वो मूवमेंट फील कर जाते हो, और उसी वजह से ना आंखों में आंसू आ जाते हैं या चेहरे पे हंसी आ जाती है, या फिर कुछ ऐसा कॉमेडी देख के आप खुश हो जाते हैं, जैसे नाटो नाटो सॉन्ग में आप खुश होकर नाचने लग गए, उसी तरह जननी सॉन्ग में आप देखकर आई एम श्योर सब इमोशनल हो गए होंगे। और मैं ये गाना हिंदी में देखना चाहता हूँ, क्योंकि समझना चाहता हूँ कि एक्चुअली गाने का मतलब क्या है, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग इसमें सबटाइटल थे पर मेरा ध्यान ही नहीं जा रहा था, क्योंकि मैं सीन देखने में इतने ज्यादा मगन था, इतना खो गया था कि तो उसमें क्या लिखा है मैंने ध्यान ही नहीं दिया। इसके बाद हम करेंगे हिंदी का भी। पिक्चर तो अच्छी बनेगी पर दर्द वाली। हाँ मतलब वो क्योंकि पता है ना कि अंग्रेजों के साथ जितने भी रिवोल्यूशन लड़े तो वैसे ही कुछ ना कुछ जैसा बुरा ही हुआ है पूरा। एक रिवोल्यूशन को जन्म जरूर दिया उन लोगों ने, पर उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ हैप्पी एंडिंग नहीं हो पाई है, मतलब हैप्पी एंडिंग फॉर नेशन हुआ है बट नॉट हैप्पी एंडिंग फॉर इंडिविजुअल। कितनी बलिदान दिए, बलिदान दिए है। और मैं चाहता हूँ कि इसमें ऐसा ना हो, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये लगता है कि अजय देवगन तो मतलब शहीद होंगे ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है वो कि बिल्कुल सामने चले, सामने ही थे वो, क्यों ऐसे ऐसे करके, और उस टाइम पे तो ऐसे बदन में जहां से झुंझुनी वहां तक चली गई। चलो अभी इससे ज्यादा तो बोलना होगा नहीं, अब हिंदी का रिएक्शन जरूर देखना, हम इसका हिंदी का भी रिएक्शन करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको रिएक्शन अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, देखिए अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है निम्मी सोफी और मम्मी। तो हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।